लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच नेताओं की जुबान फिसल रही है। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत से चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने विवादित बयान दिया है। शामली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार में जुटे जयंत चौधरी ने शामली जनपद में कई जगह सभाओं को संबोधित किया। थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के कस्बा बनत में उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए बयान दिया कि बीते दिनों बीजेपी सांसद और विधायक के बीच जूतम पैजार पर तंज कसते हुए जयंत ने बीजेपी पर यह तंज कसा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में लोगों को उनका पहनावा और धर्म देखकर मारा जा रहा है। यही नहीं, जयंत चौधरी ने चुनाव की रात को कत्ल की रात तक बता डाला। ये बयान 3 दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अच्छी तरीके से लोग माहिर है, जूते से मारपीट करते हैं, तो मैं गाली तो नहीं देना चाहता इनको, लेकिन ये बहुत 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 बड़े